subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. सुशांत केस के मामले में सीबीआई से लेकर एनसीबी सभी ने एक छोटे का जोर लगा लिया है और अब पूरी कोशिश हो रही है सुशांत के अपराधी को पकड़ने की। जहां ड्रग्स डील की बात की जाए तो उसमें शैमुल मिरांडा से लेकर शौविक चक्रवर्ती सभी पूरी तरह से फंस चुके हैं, गिरफ्तार हो गए हैं, जिसके बाद अब पूरी कार्यवाही आगे बढ़ेगी और ये केस पूरा अदालत तक जाने वाला है। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी खतरे का साया जो है वो मंडरा रहा है। किसी भी वक्त रिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जहां पर नार्को टीम ने फैसला लिया है कि रिया के खिलाफ संबंध तैयार किया जाएगा, जिसके चलते अब रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और साथ ही दूसरी तरफ कार्यवाही सुशांत केस में ये चल रही है कि एक बार फिर से सुशांत के फ्लैट पर जाकर केस को रिक्रिएट किया गया है और नीतू से पूछा गया है कि क्या कुछ देखा था उसने अपनी आंखों से 14 जून को। इतना ही नहीं, नीतू ने जो बातें बताई हैं उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ने कई सारे झूठ बोले हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी ने ये झूठ बोला है कि उसने नीतू के कहने पर बॉडी को नीचे उतारा था, जबकि नीतू ने का कहना है कि उसने सिद्धार्थ को ऐसा कुछ नहीं कहा था, नीतू ने सिर्फ बॉडी को बेड पर लेटे हुए देखा था। साथ ही रही बात सुशांत की बॉडी पर निशान और पैर टूटने की, तो उस पर भी नीतू ने कहा है कि उसने भी जब देखा था तो उसको यही शक हुआ था। ऐसे में नीतू के बयान कितनी ज़्यादा सहायता करते हैं सीबीआई की सच तक पहुँचने में देखना ज़रूरी होगा। तमाम खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24/7 ऑनलाइन। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.